हेलो एवरीवन, आपका अगेन वेलकम है टेक ऑफिस पे। और यहाँ पे मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ ऑक्सीजन ओएस का फुल इंस्टॉलेशन एंड फीचर्स की वीडियो लेकर, यानी इसकी फुल कंप्लीट डिटेल लेकर। जी हाँ, ये फर्स्ट टाइम है जो स्पेशली बिल्ड किया गया है हमारे रेडमी 4 यानी सेंटोनी डिवाइस के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इतनी टाइम बाद, क्योंकि हर बार ऑक्सीजन ओएस आ रहा था मिड्डो के लिए, 7 प्रो के लिए, लेकिन सेंटोनी के लिए नहीं आ रहा था। तो लंबे टाइम के बाद विक्रम के थ्रू मेड किया गया है, पोर्ट किया गया है हमारे सेंटोनी डिवाइस के लिए। तो इसे इंस्टॉल कैसे करना है, क्या क्या आपको वर्किंग मिलती है, वो सारी डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच करते रहें। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह के सेंटोनी की वीडियोज और 7 प्रो, मिड्डो और बाकी अदर डिवाइसों की वीडियोज मिलती रहे। और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो आप जैसे इसके अबाउट के सेशन में आओगे, आप देखोगे डिवाइस नेम जो लिखा गया है वो है OnePlus 5। जी हाँ, तो OnePlus 5 का ये पोर्ट रोम है हमारे Redmi 4 डिवाइस के लिए। और एंड्रॉइड वर्जन आपको जो 9 देखने को मिलता है, यानी पाई का है। और यहाँ पे मैंने कर्नल यूज किया है डार्क फोनिक्स का, जो कि काफी अच्छी बैटरी प्रोवाइड करता है और गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी तगड़ा हमें ये देता है बाकी अदर के मुकाबले। और यहाँ पे आपको जो वही OnePlus वगैरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है। सिस्टम अपडेटर में आपको OTP अपडेटर का ऑप्शन मिलता है सेशन का, लेकिन किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये एक पोर्ट रोम है, तो OTP अपडेटर वगैरह की कोई ज़रूरत यहाँ पे हमें नहीं मिलती। मल्टी यूजर टाइम डेट वगैरह एसेसिबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो कॉमन वाले फीचर्स हैं, तो आपके जो वर्किंग मिल जाते हैं। यहाँ पे फेस ट्रेवल सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, जैसे आप चाहो तो छेड़छाड़ ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, जैसा है वैसा छोड़ सकते हो। गूगल की सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। डिजिटल वैल्यू बताता है कि आपने क्या क्या कुछ आज यूज किया है इस फोन के अंदर, वो चीज़ें आपको दिखाएगा। कि रिप्लाई इन लैंडस्केप में आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप किस तरह से यूज करना चाहते हो, तो कुछ डेमो इस टाइप का देता है, तो भी आप यूज कर सकते हो। शेड्यूल मिल जाता है ऑन ऑफ का, तो ये आपका वर्किंग नहीं रहेगा, क्योंकि इसके लिए डिवाइस अलग होता है, तो यहाँ पे मे भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसका यूज आप मत करो। पॉकेट मोड वर्किंग है, ऐप लॉक भी आपका वर्किंग मिलता है, आप कुछ एप्लीकेशन को हाइड्स वगैरह कर सकते हो यानी लॉक कर सकते हो, तो ये काम कर रहा है अच्छे तरीके से। पहला ऐप में सम टाइम आपको दिक्कत आई कुछ कुछ चीज़ों में, और बाकी चीज़ें अच्छे से काम करती है। गेमिंग मोड भी आपका काम करता है, आप जैसे भी है जो गेमिंग मोड ओपन करोगे यानी गेम ओपन करोगे, तो गेमिंग मोड आपको होम स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, जहाँ से आप कुछ सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो, जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इंप्रूव करेगा, और गेमिंग के टाइम आपको डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे फिंगरप्रिंट में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, जब मैं इसे सेटअप कर रहा था तो बार बार एरर का ऑप्शन आ रहा था, तो ये 5-6 टाइम आया। तो अगर ऐसा आता है तो आपको फिर से बैक आना है, फिर से फिंगरप्रिंट के सेटअप पे जाना है, और फिर से आपको ट्राई कर लेना है, तो आप फिर आसानी से फिंगरप्रिंट को जो सेट कर पाओगे, कोई भी इशू जो आपको फिंगरप्रिंट पर नहीं आएगी। वन टाइम ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो आपको बैक आना है, फिर भी अगर आपका सॉल्व नहीं होता है तो आपको एक बार अपने डिवाइस को जो रिबूट कर लेना है। जी हाँ, रिबूट करते ही आपका जो प्रॉब्लम यहाँ पे 100% फिक्स हो जाएगा, और फिंगरप्रिंट का जो रिस्पॉन्स है वो भी आपके लिए जो परफेक्ट वर्किंग रहेगा। सो यहाँ पे फिंगरप्रिंट है जो काफी बढ़िया से काम कर रहा है, फिंगरप्रिंट में भी आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलती। अगर आप इसे चाहते हो डिलीट करना तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत है जो नहीं आई, कोई इस तरह से टाइप करना और ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे जो फेस अनलॉक दिया गया है इसका यूज नहीं करना है, आपको यहाँ पे यूज करना होगा स्मार्ट लॉक का। जी हाँ, तो इस स्मार्ट लॉक को ओपन करना है, जो गूगल का फेस अनलॉक आता है फीचर्स, उसको आपको यूज करना होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है, तो फेस अनलॉक यहाँ पे आपको वर्किंग मिल जाता है, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको जो इस डिफॉल्ट फेस अनलॉक का यूज नहीं करना है, बाकी वही कॉमन वाला आपको फीचर्स मिल जाते हैं। बैक की आते हैं तो बैटरी डिटेल मेरे पास ज्यादा नहीं है, बट मेरे फ्रेंड लोग यूज कर रहे हैं, उन्हें काफी अच्छी बैटरी की डिटेल मिल रही है डार्क फोनिक्स के कर्नल होने के वजह से, और गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि मैंने अभी जितने भी रिव्यू किए हैं रोम्स की, सब में मैंने आपको डार्क फोनिक्स की कर्नल दिखाया है जो कि लेटेस्ट है, तो उसका भी लिंक मैं आपको मेंटेन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसे फ्लैश करने के बाद आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस और बैटरी बैकअप काफी हद तक इंप्रूव हो जाता है। क्योंकि जेस्चर आपको मिल जाता है फ्लिप टू म्यूट, डबल ट्रिपल फिंगर टू स्क्रीन शॉट, कॉलिंग का जेस्चर आपको मिलता है डबल टैप टू बैकअप, जो कि डबल टैप टू बैकअप हमारा डिवाइस सपोर्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे आपको जो डबल टू बैकअप का फीचर्स काम नहीं करेगा, तो ये बग नहीं है, ये हमारे डिवाइस के लिए वर्किंग नहीं रहता है, तो इसलिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। ए ओ भी एस डब्ल्यू एम जितने भी है जो कंट्रोल वाले ऑप्शन है लॉक स्क्रीन के लिए, ये भी वर्किंग नहीं है, क्योंकि हमारा डिवाइस सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हमें वर्किंग नहीं मिलता है, बाकी चीजें काम कर रही है। अगर आप यहाँ पे बटन के ऑप्शन में आते हो तो आप बैकलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, साथ साथ यहाँ पे स्वाइप अप होम बटन को इनेबल कर पाओगे, नेव बार को आप चाहो तो इनेबल यहाँ पे कर सकते हो, तो ये डिपेंड करता है आपके बेसिक नीड्स के ऊपर कि आप इसे यूज करना चाहते हो या फिर नहीं, तो ये चीज आपको मिलती है। अगर आप हार्डवेयर बटन का यूज करते हो तो इतने कस्टमाइजेशन आपको मिल जाते हैं, तो हार्डवेयर बटन ज्यादा बेटर है, क्योंकि डिस्प्ले स्मॉल है और आप नेव बार इनेबल करोगे तो और डिस्प्ले स्मॉल हो जाती है, तो यहाँ पे आप ऑफ ही रखो तो ज्यादा बेटर है। साउंड्स वगैरह आपके जो काम कर रहे हैं अच्छे तरीके से, कोई भी आपको दिक्कत है जो देखने को नहीं मिलती है साउंड्स वगैरह में, कोई भी प्रॉब्लम आपको जो नहीं आएगा। डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है अडेप्टेड ब्राइटनेस, जो कि काम करता है अच्छे तरीके से, आप देख सकते हो ऑटो है जो काम कर रहा है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। स्लीप मोड भी आपका वर्किंग है, नाइट मोड भी आपका जो वर्किंग मिल जाता है, कोई भी इशू आपको नहीं आता है नाइट मोड में, तो ये भी आपका जो वर्किंग है। रीडिंग मोड भी आपको वर्किंग मिलता है, स्क्रीन कोलोबरेशन यानी कलर कॉन्ट्रास्ट वाले चीजें देखने को मिल जाती है, जो कि कस्टम में ही आपको हल्का फुल्का इफेक्ट नजर आएगा, बाकी इनमें उतना खास इफेक्ट नजर नहीं आता है, बट ये काम कर रहा है तो अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्किंग मिलता है। एम्बिएंट डिस्प्ले में आपको मिल जाता है लेफ्ट अप डिस्प्ले, यहाँ पे
क्लॉक की सेटिंग्स मिल जाती है, तो क्लॉक काफ़ी ज़्यादा लार्ज यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि जितने भी वन प्लस के डिवाइस है वो 6 प्लस डिस्प्ले साइज है और यहाँ पे 5 ही मिलता है आपको। तो फॉन्ट काफ़ी हद तक मैनेज किया गया है, बट कहीं कहीं पर आपको फॉन्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यानी लार्ज लार्ज दिखाई देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लॉक हल्का लार्ज दिखाई दे रहा है, तो कहीं कहीं पर आपको दिक्कत आएगी, तो इतना सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना होगा। बाकी नोटिफिकेशन अपेयर का आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे ब्लूटूथ आपका वर्किंग है और साथ साथ यहाँ पे वाईफाई और हॉटस्पॉट भी वर्किंग है, मैंने यूज किया है, अभी फिलहाल मैं वाईफाई का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे जियो के कॉलिंग भी वर्किंग है, लेकिन वीडियो कॉल में मुझे प्रॉब्लम आई है, तो आप देख लेना कि आपका वीडियो कॉल वर्किंग है या नहीं। मुझे लगता है कि वीडियो कॉल की आपको वर्किंग मिल भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि मेरे एरिया में अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा था। वीडियो कॉल खुद से ट्राई कर लेना। अगर आपको कॉलिंग के टाइम नॉइज आ रही है, यानी आवाज़ नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है, ट्रिपल डॉट पे जाना है, सेटिंग पे जाना है, और यहाँ पे आपको मिलेगा नॉइज कैंसिलेशन का ऑप्शन जो कि इनेबल रहता है, इसे आपको करना है डिसेबल। जैसे आप इसे डिसेबल करोगे, आप कॉलिंग पे बात कर पाओगे, आपको वॉयस आउट गोइंग और इनकमिंग दोनों क्लियर आएगी, कोई भी दिक्कत है जो नहीं आएगी, तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप कोई जीकेम यूज कर रहे हो जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है पिक्चर्स की, तो आपको जीकेम को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जीकेम ट्राई किया है, वो आपको जो ग्रीनी टाइप का प्रॉब्लम देता है, यानी जीकेम में पिक्चर आपको सही नहीं मिलती है, तो आपको जीकेम चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जीकेम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आप देख सकते हो कुछ ग्रीन टाइप का पिक्चर आ रहा है, बट ये जीकेम की प्रॉब्लम है, इस रोम की नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पिक्सल 3 का कैमरा यूज किया है, तो पिक्सल 3 के कैमरे में अच्छे से पिक्चर क्लिक हो जा रहा है, कोई भी इशू आपको पिक्सल 3 में नहीं आ रहा है। तो पिक्सल 2 में अगर इशू आता है पिक्चर की क्वालिटी की, तो आप कैमरे को एक बार चेंज कर लो, वर्किंग आपको मिल जाएगा। रही बात अनटूटू का स्कोर की, तो अनटूटू का स्कोर है वो मुझे काफी अच्छा लगा है। आप देख सकते हो यहाँ पे 57579 का स्कोर है, जो कि आपको बैटरी बैकअप और गेमिंग की भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पे गेमिंग वगैरह भी यूज कर सकते हो, कोई भी इशू आपको नहीं आती है गेमिंग पे। और जैसे यहाँ पे आप पबजी को प्ले करोगे, कुछ इस तरह से गेमिंग मोड आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप सीपीयू ऑप्टिमाइज, जीपीयू ऑप्टिमाइज, रैम ऑप्टिमाइज वगैरह की सेटिंग कर पाओगे, या डायरेक्ट सेटिंग में जा सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत फॉन्ट की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का फॉन्ट का इशू जा रहा है, तो इस तरह के है जो फॉन्ट की प्रॉब्लम आती है, तो आप डायरेक्ट सेटिंग में जाके मैनेज कर सकते हो अपने फोन गेमिंग के ऑप्शन को, क्या कुछ यहाँ पे होना चाहिए और क्या कुछ नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरह के सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आप फ्लैश लाइट भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, ब्लूटूथ भी यूज कर सकते हो, रोटेशन में आपका जो वर्किंग देखने को मिल जाता है, म्यूजिक भी यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, और जीपीएस भी मैंने यहाँ पे यूज किया है तो वर्किंग है। कुछ यूजर्स का कहना है कि सब कुछ वर्किंग है, लेकिन यहाँ पे जो स्क्रीन शॉट काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे स्क्रीन शॉट मेरा वर्किंग है, अगर आपका नहीं वर्किंग है तो आपको जरूरत है फिर से रीफ्लैश करने की, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्क्रीन शॉट भी वर्किंग है। अब आते हैं इसके फ्लैशिंग मेथड पे, तो जितने भी डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है उनको आपको वन बाई वन करके डाउनलोड कर लेना है और रख लेना है अपने इंटरनल के स्टोरेज पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो रीस्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है मेनू, ये काफी बड़ा है क्योंकि फोन की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और यहाँ पे रीस्टार्ट का भी एक बग है। अगर आप डिवाइस को रीस्टार्ट करते हो तो ये रीस्टार्ट नहीं होता है, आपका डिवाइस जो ऑफ हो जाता है, तो आपको मैनुअली इसे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। तो ये रीस्टार्ट का भी बग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी अब तक जितने भी ओओएस आए हैं, यानी ऑक्सीजन ओएस आया है, सेंटोन में मैंने आपको वीडियो दिया है, कोई भी यूजेबल नहीं था, बट ये फर्स्ट टाइम मैं कह रहा हूँ कि काफी अच्छा है, आप इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि काफी हद तक सारी चीजें जो यहाँ पे फिक्स कर दी गई है और काफी मजा आने वाला है ऑक्सीजन ओएस को यूज करके सेंटोनी के डिवाइस में, जो कि बैटरी बैकअप और गेमिंग भी आपको काफी अच्छी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ऑरेंज फॉक्स का TWRP, आप कोई सा भी ट्रेवल सपोर्ट TWRP यूज कर सकते हो। अब आपको फॉलो करना है मेरा स्टेप जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। वाइप पे आना है, सेलेक्ट करना है डेलविक सिस्टम डेटा कैच वेंडर, इनको सेलेक्ट कर देने के यहाँ पे वाइप कर देना है, यानी स्वाइप कर देना है। अब टोटल चीज आपका हो चुका है डिलीट, और मैंने जो वेंडर का लिंक प्रोवाइड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, जिसे आपको डाउनलोड करके अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद अपने TWRP के फोल्डर में डालना है। अगर आप ऑरेंज फॉक्स यूज कर रहे हो तो आपको फॉक्स के फोल्डर के अंदर पुट करना होगा, अगर आप यूज कर रहे हो TWRP नॉर्मल का ट्रेवल सपोर्ट तो आपको TWRP के फोल्डर के अंदर डालना होगा, ठीक है। तो मैंने वो ऑलरेडी डाल दिया है। उसके बाद आते हैं रीस्टोर के ऑप्शन पे, ये आ चुका है, देख सकते हो वेंडर सेंटोनी पाई, इसे सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे रीस्टोर पे स्वाइप कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, कर लेते हैं थोड़ा सा वेट। सो यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है, रजिस्टर होने के बाद आपको होम पे आना है, अपने फाइल पे जाना है जहाँ पे आपने ऑक्सीजन ओएस के जीप फाइल को डाउनलोड करके अनजिप करके रखा है, क्योंकि वो जीप फॉर्मेट में रहता है, आपको अनजिप करके इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप अनजिप करोगे वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो आप देख सकते हो ऑक्सीजन ओएस ए ऑनली 2019.6.23 का, इसके बाद भी लेटेस्ट अपडेट आया है, लेकिन उसमें कुछ बग्स हैं जिसकी वजह से मैं आपको उसकी वीडियो नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये ओल्ड वाले का प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सिस्टम इमेज, आप कोई सा TWRP यूज कर रहे हो ऑप्शन सेम आपको देखने को मिलेंगे। तो सिस्टम इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपको स्वाइप कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है। और जब भी आप ये मेथड फॉलो करो, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो अपने फोन की बैटरी की चार्ज रखना 50% से अपर। कम पे करोगे और फर्स्ट टाइम कर रहे हो, आपके पास ज्यादा डिटेल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है लो बैटरी के वजह से। तो बैटरी कंप्लीट चार्ज रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा।
सो ये कंप्लीट फ्रेश हो चुका है। उसके बाद आपको आना है होम के ऊपर और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है प्रोमेसिव V4 को जी, ठीक है। इसे सेलेक्ट करने के बाद आपको फ्लैश करना है। लास्ट में एक छोटा सा रेड कलर का एरर देखने को मिलेगा जिसे आपको इग्नोर कर देना है। अगर आपको एरर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है, कोई भी फर्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या एरर आपको देखने को मिलेगा। सो ये फ्लैश हो चुका है, आप देख सकते हो फेल माउंट कस्ट डिवाइस और रिसोर्स बीजी, तो इसे आपको इग्नोर करना है। उसके बाद आपको होम पे आना है, अपने माउंट के सेक्शन में जाना है। आप कोई सा टीलर पे यूज करो वहां पे आपको माउंट पे ब्राउज करना है और चेक कर लेना है कि आपका सिस्टम और वेंडर दोनों माउंट है या नहीं। उसके बाद होम पे आना है, फाइल पे जाना है, यहाँ पे OOS बूट फिक्स जिप दिया गया है, इसे सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे कर देना है आपको स्वाइप। इसे कंप्लीट फ्लैश होते ही आपको बैक आना है और यूज करना है डार्क फोनिक्स कैनल को, जो कि लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसे सेलेक्ट करते हैं जो कि ट्रेवल सपोर्टेड है और बिल्कुल ही लेटेस्ट वर्जन है, और यहाँ पे आपको करना है स्वाइप। यहाँ पे कंप्लीट फ्लैश हो चुका है। अब आप इसे रूट करना चाहते हो तो मैजिक्स को फ्लैश कर सकते हो, या कंप्लीट सेटअप होने के बाद आप मैजिक्स को फ्लैश करके माइग्रेट वाले बैकअप को फ्लैश कर सकते हो, क्योंकि माइग्रेट अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब आपको सिंपली क्लिक करना है रिबूट पे और यहाँ पे 2 से 3 या 5 मिनट का टाइम लगेगा, आपको वेट करना होगा इसे बूट होने के लिए, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो 5 मिनट के बाद फोन ऑन हो चुका है, इसे आपको ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, फाइल मैनेजर पे जाना है। यहाँ पे हाइड का सेशन है, वो भी काफी अच्छे तरीके से काम करता है, तो आप एप्लीकेशन वगैरह को हाइड कर सकते हो, कुछ इस तरह से लंबा स्वाइप करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन को हिडन कर सकते हो, जैसे कि हमें पोको लॉन्च में देखने को मिल जाता है और MIUI पे अब देखने को फिलहाल मिलता है। अब आना है फाइल मैनेजर के ऊपर, और मैंने एक और APK का लिंक दिया है जो कि गूगल प्ले सर्विस का है, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है और सबसे पहला काम करना है उसको इंस्टॉल करने का। अगर आप उसे इंस्टॉल नहीं करते हो तो आपको आएगी प्रॉब्लम एप्लीकेशन को यूज करने में, अदरवाइज आपके एप्लीकेशन बार बार एग्जिट होते रहेंगे और आप जो बार बार डिस्टर्ब होते रहोगे। तो ये जो गूगल प्ले सर्विस का लिंक दिया गया है, इसे आपको जो मैनुअली इंस्टॉल कर लेना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है। इसके इंस्टॉल होने में भी आपको 5 मिनट का टाइम लग सकता है। इसके इंस्टॉल हो जाने के बाद आप अपने सारी चीजें यूज कर पाओगे, अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो, फिंगरप्रिंट यूज कर सकते हो और बाकी चीजों को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने आज तक जितने भी वीडियोज प्रोवाइड किए हैं सब पे मैंने GSI के वीडियोज पे यही कहा है कि उतना यूजेबल नहीं है, आप इसे लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार जरूर ट्राई कर लेना है। लेकिन ये एक ऐसा फर्स्ट रोम है GSI, क्योंकि यह स्पेशली पोर्ट किया गया है, जिसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने अगर GSI कभी ट्राई किया तो इसे एक बार जरूर ट्राई करो, आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा, आप इसे लॉन्ग लास्टिंग तक है जो यूज कर पाओगे, क्योंकि मुझे काफी बढ़िया लगा है और जितने भी फीचर्स है वो काफी अच्छे से रिस्पॉन्स आपको दे रहे हैं और काफी परफेक्ट आपको लगने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फिंगरप्रिंट है जो वन टाइम में काम कर गया, जबकि फर्स्ट टाइम में जो कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, तो आपको कभी कभी फिंगरप्रिंट के साथ इश्यूज आएगी ओनली ऑन फर्स्ट टाइम, उसके बाद आपका जो सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट सेटअप, इसे यूज कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है और क्या क्या चीज आपको वर्किंग मिल जाती है। तो वीडियो को यहीं पे करता हूँ खत्म, और आपको वीडियो पसंद आए तो बस आपका एक लाइक चाहिए, क्योंकि आपका हर एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को काफी अच्छे तरीके से डिटेलिंग के साथ क्रिएट करने के लिए। तो और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।